ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद शमी को मोदी ने लगाया गले, तो आज शमी ने सामने आकर बोल दी बड़ी बात। पीएम मोदी पर मोहम्मद शमी ने ऐसा बोला, पूरा देश देखता रह गया। शमी ने बताया वर्ल्ड कप में किस कारण हुई टीम इंडिया की हार। भारत की मेजबानी में खेला गया क्रिकेट विश्व कप अब खत्म हो चुका है। फाइनल में मिली हार के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ी काफी उदास थे। ऐसे में पीएम मोदी ने उन्हें ड्रेसिंग रूम में जाकर ढांढस बंधाया, जिसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। अब वर्ल्ड कप में अपनी गेंदबाजी से विपक्षियों की टीम को घुटने टेकने पर मजबूर और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपने गांव अमरोहा पहुंचे थे, और यहीं उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से मिलने के बाद उनको कैसा लगा और टीम इंडिया की हार किस तरह से हुई। देखिए, बहुत जरूरी होता है क्योंकि उस टाइम पर हम मैच हार चुके थे, और जब आपके प्राइम मिनिस्टर जब वहाँ पे आके आपको प्रोत्साहन देते हैं तो वो एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस होता है कि देश का जिम्मेदार आदमी आपके साथ आया है, आपके सहानुभूति दे रहा है। वो बहुत जरूरी होता है क्योंकि उस टाइम मॉरल वैसे ही डाउन होता है, और जब ऐसे ऐसे मोमेंट में कोई आपका पीएम जैसे इंसान सामने खड़ा है, वो ऐसे बोल रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो वो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा पार्ट है। शमी भाई, अपनी टीम ने 10 के 10 मैच बहुत अच्छी तरह से जीता। हमारी सरजमी पे मैच हो रहा था, प्रधानमंत्री ने किस तरीके से आप लोगों का क्या बात आप मुझसे सुनना चाहते हो? आपको वीडियो भी सोशल मीडिया पे घूम रही है, ऑडियो के साथ घूम रही है, आप लोगों ने देखा ही है कि कैसे उन्होंने सबका साहस बढ़ाया है, कैसे उन्होंने सबसे मुलाकात की है। ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि प्रधानमंत्री का आना एक छोटी चीज है। आपने 7 विकेट लिए थे भाई, आप शानदार आपका प्रदर्शन था, उस पर प्रधानमंत्री जी ने आपको कुछ कहा? हालांकि सौगात तो मिल गई है, योगी सरकार ने आपको दे दी है। देखिए, मेरी हमेशा कोशिश यही है कि कंट्री के लिए बेटर करते रहें और अच्छा करते रहें, टीम जीतती रहे, और मेरा यही कहना है कि सब लोगों को अपना 100% देते रहो, कंट्री को जिताते रहो। सौगात की तो हम कभी नहीं सोचते हैं, सौगात ये दी है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक स्टेडियम मिला है, उसको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए, उसमें से कोई ना कोई प्लेयर बाहर निकल कर आना चाहिए, उस चीज पे हमारा फोकस होना चाहिए। यार, ये कंट्रोवर्सी वाले सवाल हमारी समझ में तो आते नहीं, क्योंकि आप इस सवाल को कंट्रोवर्सी में ले जाते हो। बेसिक चीजों पे ध्यान दो, जिस चीज पे आपने पूरे 2 महीने से मेहनत की है उस चीज पे ध्यान दो। ये पॉलिटिकल एजेंडा, ये जो चीजें आप जो बीच में लाते हो, मुझे समझ नहीं आता ये सब चीज। यार, ओवरऑल तो आपने देखा है कि बहुत अच्छा परफॉर्म रहा है सबका, क्योंकि 11 में से 10 मैच जीते हैं, 10 में से 10 जीते थे उस टाइम। सो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, स्किल की कमी नहीं थी। मुझे लगता है कि एक बैड डे हो सकता है, जो वो किसी भी टाइम हो सकता है। मेरे हिसाब से वो दिन हमारा नहीं था, मेरे हिसाब से कुछ एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा, या फिर हम थोड़े रन कम रहे, वो सब चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो हमें डाउन करे या मॉरल डाउन हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो। देखिए, हमेशा आप लोगों ने देखा ही है कि जब शाम को बैटिंग होती है, डे नाइट मैच में जब सेकेंड इनिंग आती है, तो बैटिंग के लिए और बेटर हो जाता है विकेट, तो वो एक फैक्टर हो जाता है, और विकेट थोड़ी स्लो भी हो जाती है, फास्ट बॉलर्स को इतनी मदद नहीं मिलती, तो वो एक रीजन रहा है। शामी भाई आपने जो है टीम का, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल में हमारी टीम इंडिया कहीं दिखी नहीं, बैटिंग फील्डिंग में भी थोड़ी सी हमारे लूज पॉइंट्स रहे, तो क्या कारण था? क्या बड़े मैच का दबाव था या कुछ और बात रही, या वीआईपी का जो मोमेंट था, क्या वो भी एक प्रेशर था? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। हम कभी ये सोचते नहीं मोमेंट किसका है या फिर क्या होता है, और ज्यादा ओवर थिंक हम करते नहीं है मैच को लेकर, क्योंकि जो प्रोसेस हम लोगों ने लास्ट 10 मैच में किया था, सेम प्रोसेस था, सेम एटीट्यूड था, सेम स्किल एग्जीक्यूट करने देख रहे थे, सेम प्लानिंग के साथ जा रहे थे। मैं फिर से वही कहूंगा कि एक बैड डे हो सकता है, और वो शायद हमारा फाइनल था। पहले 4 मैच में बाहर रहे आप टीम से, तब क्या दिमाग में चल रहा था, क्या हो गया? यार, मेरी अप्रोच एक ही थी, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसी चीज है, क्योंकि आपके जो 15 हैं, मेरे साथ अश्विन भी बाहर थे, तो अगर 600-700 विकेट लेके बेंच पर बैठा तो टीम की क्या कैपेसिटी होगी, आपको आइडिया लग जाता है। तो वहाँ पे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये हमारा बंदा क्या करेगा, क्या नहीं कर रहा, ये खेल रहा है, मैं नहीं खेल रहा हूँ, कभी आज तक वैसे मन में आया नहीं है ये सवाल।